हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं रेडमी 9 पावर। दरअसल ये फ़ोन में प्रॉब्लम ये है, ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसकी बैटरी वोल्टेज भी चेक किया तो बैटरी भी चार्ज थी 3.8। तो अभी हम फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरीके से चेक किया, ये फ़ोन में प्रॉब्लम थी कि ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। तो हमने चेक किया तो CPU जो था इसका वोल्टेज नहीं बना रहा था। तो हमने फटाफट इसे अभी USB चिप पे टेप भी लगा दिया है। अब इसके बाद हम ब्लेड डालेंगे अंदर और हमारा जो प्रोसेसर है उसे बाहर निकालेंगे। तो ये देख लीजिए, हमारा प्रोसेसर बाहर हो चुका है। अब आ जाती है बारी इसकी जगह की पूरी साफ़ करने की। तो ये हमें जो जगह है एकदम नीट एंड क्लीन कर लेना है, जो देख पा रहे होंगे आप जैसा वैसा। तो हमारा मदरबोर्ड तो साफ़ हो चुका है, प्रोसेसर भी हम नीट एंड क्लीन कर लेते हैं डिसोल्डिंग वायर की मदद से। तो अभी ये तार की ब्रश से हम इसे पूरा क्लीन कर लेंगे और इसके चारों कोने क्लीन कर देंगे। अब आ जाती है बारी CPU रिबॉलिंग की। तो CPU एकदम हमें प्रॉपर रिबॉल करना है 2 से 3 बार में। हमारा CPU रिबॉल हो जाएगा 2 से 3 बार में। तो इसके बाद हमें थोड़ा पेस्ट लगा के इसे हीट मार देना है। उसके बाद हमें इसे IC को नॉइस जहाँ है हमें वहीं रखना है और उसके बाद इसे भी हीट मार देना है। तो इससे होगा ये हमारा प्रोसेसर बैठ जाएंगे। तो देख लीजिए, हमने हीट मारना चालू कर चुका है अभी। तो अभी देखना, धीरे धीरे नीचे से पेस्ट आ जाएगा बाहर। इसका मतलब ये है हमारा CPU IC जो है वो बैठ चुकी है। देख लीजिए, CPU IC जो है हमारी एकदम परफेक्टली बैठ चुकी है। अब इसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा और इसके बाद हम इसे फटाफट इसे मदरबोर्ड में लगा के चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए या तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और संडे का दिन छोड़ के कीजिए, क्योंकि संडे में रहता नहीं हूँ तो मैं आपके फ़ोन उठा नहीं पाऊँगा। तो देख लीजिए, ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अगर आपको कोई भी फ़ोन बनाना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। चलिए, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।